हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम इस साउंड सिस्टम को अपने कार के अंदर किस तरीके से लगाया जाए। तो बेसिक सा एक बॉक्स है और एक है हमारे पास में एयर फिल्टर। जो दो एयर फिल्टर की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा शानदार है एंड आपको देखने को मिल जाती है कार के ग्लास फिनिश के अंदर एक क्रोम। और जो बॉक्स है इसका, तो आप बॉक्स को देख सकते हो कितना बड़ा है एंड कुछ है ये रेड कलर का। तो बॉक्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है एंड ये जो थोड़ा बहुत हो चुका है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे रखे हुए घर पे, मतलब कि एक दो हफ्ते हो गए थे। सोचा कि इसको टाइम आ चुका है लगाने का क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है। तो आज मौसम भी थोड़ा बढ़िया है एंड आज सोचा जाए इसको लगा दिया जाए। तो दिखाता हूँ मैं आपको इसके अंदर क्या क्या मिल जाएगा। आपको सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोखान चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले व्लॉग देखने के लिए। सो बॉक्स के अंदर आपको दिख जाएंगे कुछ इस तरीके के पाइप। तो इसके अंदर है पाइप 1, 2, 3, 4 एंड 5 और इसके अंदर भी कुछ है शायद। सो इसके अंदर है इसके क्लैम्प वगैरह और रबड़ वगैरह, और ये है कुछ इसके ब्रैकेट जो हमारे काम में आएंगे इसको पाइप को लगाने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम किस तरीके से असेंबल करेंगे एंड ये जो रबड़ है ये हमारी कहाँ काम आएगी। सो गाइस जैसे कि आप ये सब पाइप देख रहे हो ना, और ये जो आपके साथ में क्लैम्प जो मिले हुए हैं, ये क्लैम्प कुछ इस तरीके से लग जाएंगे एंड इसको पीछे की तरफ आप धकेल के, एंड ये जो जितने भी पाइप्स हैं आप इसको जब मतलब आपकी जो कार के अंदर जहाँ जहाँ स्पेस है तो आप उसको इसी तरीके से बैंड कर दीजिए लाइक दिस। एंड ये कुछ इस तरीके से लगते जाएगा और जितने भी बैंड्स हैं इसके अंदर ये इसके अंदर लग जाएंगे। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके आगे लगा दिया मैंने एयर फिल्टर और पीछे की तरफ लग गया इसके एयर इनटेक। तो आप इसकी जो पोजीशन है, जो इसकी शेप है वो बदल सकते हो। आप इसको इस तरीके से घुमा दीजिए एंड जो दूसरे जो पाइप हैं, मतलब कि जो एक्स्ट्रा जो पाइप थे इसके साथ में जो बाकी के एयर इनटेक है, तो ये इधर है तो आप इसको आगे करके लगा दीजिए। बस आपने करना इतना ही होगा, ये देख पा रहे हो। तो इसको इसके अंदर लगाइए और यहाँ पे एक एलन के वाला स्क्रू है तो उसको अनस्क्रू करके थोड़ा लूज़ करके इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। जैसे ये भी आपको दिखाता हूँ। तो ये एयर फिल्टर है, मैंने रख दिया यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी और आगे बढ़ा दूँ। तो ये देख पा रहे हो, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ये है ना, आप इसको जिस पोजिशन में करना चाहो तो वैसे हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर कुछ होल दिए हुए हैं जहाँ पे लगेगा हमारा एयर फिल्टर का जो सेंसर होता है। तो ये जो इसके नोब्स ही हैं तो ये निकल जाती हैं लाइक दिस। और जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर एक होल हो रखा है, जो हमारे एयर फिल्टर के ऊपर जो सेंसर लगा होता है वो इसके अंदर लग जाएगा और ये सीधा हमारा लग जाएगा टोटल बॉडी के अंदर और बन जाएगा हमारा पूरा एक एग्जॉस्ट सिस्टम। तो चलिए अब लगाते हैं इसको अपनी कार के अंदर और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आएगी। सो अभी हम करेंगे अभी जो गाड़ी की जो नॉर्मल साउंड है तो मैं आपको वो सुनाऊंगा कि इसकी नॉर्मल साउंड है वो कैसी आ रही है। फिर इसके अंदर जो अपना परफॉर्मेंस वाला एयर फिल्टर है वो लगाने के बाद में फिर इसकी साउंड चेक करेंगे कि कैसी आ रही है। तो जैसे कि देख पा रहे हो थोड़ी साफ़ लग रही है आज गाड़ी पहले के मुताबिक, तो सब नीट एंड क्लीन तरीके से। अब बोनट खोल के मैं आपको साउंड चेक कराता हूँ इसकी। अब अंदर से भले साफ़ हो और यहाँ से देख पा रहे हो कितना गंदा हो रहा है। तो अब देखते हैं। तो ये इसकी नॉर्मल साउंड है। ओके, तो ये देखो ये इसका एयर फिल्टर है। तो आप करेंगे जितने भी इसके एयर फिल्टर के स्क्रू वगैरह हैं तो उसको निकाल के स्क्रू को, और यहाँ पर हम अपना सिस्टम लगाएंगे जो एयर फ्लो वाला सिस्टम है तो बराबर ये यहाँ पर लग जाएगा और उसका जो एयर फिल्टर है वो मैं इधर लगा दूँ। तो मतलब बढ़िया होने वाली है वीडियो ना, आप आखिर तक देखिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। और साउंड वगैरह सब चेक करेंगे, परफॉर्मेंस चेक करेंगे गाड़ी का, पिकअप वगैरह कितना बड़ा है। तो मैंने इसका फर्स्ट फ्लो पाइप लगा दिया और आप अंदर की तरफ देख पा रहे हो। तो रबड़ थी जो मैंने इसकी टोटल बॉडी पे लगा दी, इस तरीके की रबड़ थी जो ऊपर लगा दी। एंड इसको आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। पक्की अच्छे से ये टाइट हो चुका है। एंड जो दूसरा वाला पार्ट है अब इसको मैं आगे लगाऊँगा। और ये जो देख पा रहे हो ये क्लैम्प है, तो क्लैम्प से ये लग जाएगा इधर। फिर उसके बाद में ये एयर फिल्टर है जस्ट इस तरीके से लग जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट था मैंने इसके अंदर लगा दिया। अब इसी ब्रैकेट को सेम इस जैसे मैंने इसमें लगाया अब इसको इस तरीके से टाइट कर दूंगा और लगा देंगे इसके ऊपर एयर फिल्टर। सो गाइस दोनों इनटेक जो होते हैं इसके लगा दिया, एयर फिल्टर भी लगा दिया और जो उसको ऊपर वाला जो पाइप था वैक्यूम पाइप वो भी मैंने लगा दिया। तो आप करके स्टार्ट करके चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी है वो कैसी आ रही है और स्टार्ट करके देखते हैं इसको इसकी साउंड क्वालिटी और कैसी आ रही है। तो गाइस देख पा रहे हो आप साउंड इसकी। तो ये है इसकी साउंड और इसके टॉप आरपीएम पे देखो। तो ऐसे खड़ी गाड़ी में आप कभी भी इसके जो टॉप आरपीएम है उस पर मत ले जाइए, हो सके तो इसको हाफ में ही चेक करिए। तो ये देख पा रहे हो ये इसके टोटल बॉडी में जो इसका एक्सीलेटर वाला है, देख पा रहे हो कि साउंड कितनी बढ़िया आ रही है इधर। सो गाइज इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 इनटेक लगाए और एक ये जो आप देख पा रहे हो मेन वाला और एक फ़िल्टर और एक इधर आ गया, और जो बाकी के अपनी जो है सो देख पा रहे हो देखो ये रहा एक ये रहा, और जो बाकी की एसेसरीज़ है हमारी जो लॉक वगैरह तो यहाँ पर है। अगर आप किसी दूसरी गाड़ी के अंदर लगाओगे तो शायद ये काम आ जाए। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ क्लिप वगैरह भी इसके साथ में, जिनकी मैं कोई ज़रूरत नहीं पड़ी एंड इसकी भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, यही है बस। और ये था इसका बॉक्स, और ये देख पा रहे हो ये इसका इतना साइज़ हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ इतना लगाया करके ये इतना सा छोटे से उसके अंदर ही काम हो गया। सो गाइस ये जो प्रोडक्ट है हमेशा की तरह आप अपनी किसी भी कार के अंदर लगा सकते हो। जो भी प्रोडक्ट होता है मेरे पास में वो यूनिवर्सल होता है। बस क्या करें, जितना आपकी गाड़ी के अंदर इसके जो पार्ट हैं वो लग सकते हैं तो आप लगाइए, जितना नहीं लग सकता तो आप उसको रख लीजिए। इन फीचर कभी ना कभी काम आ जाए, क्या पता आप इसके बाद में कोई दूसरी गाड़ी लो उसके अंदर कुछ फिटिंग अलग हो। हमेशा अपने पार्ट्स को अपने पास में रखिए। जैसे कि मेरे पास में ये बॉक्स है तो इसके अंदर रखा हुआ मेरे सारे पार्ट्स, और उसी के साथ में मेरे को भेजा एक टैग डिजिटल ने एक बॉक्स। तो एक मेरे पास में बॉक्स आया टैग डिजिटल की तरफ से। अब इसको मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर अनबॉक्स करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि इसके अंदर टैग डिजिटल ने आखिर भेजा है तो क्या भेजा है। ये है एक मिस्ट्री बॉक्स मेरे लिए। अब नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, तो उस वीडियो के अंदर मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। सो गाइज बस यही था आज की इस वीडियो में, तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। और अभी तक ने आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा तो वो भी कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए मेरे लिए, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो बस मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय।